नमस्कार डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। जैसे हम सिलसिला जारी रखते हुए कोविड-19 महामारी, जो कि हिंदी अनुवाद है कोविड-19 पैंडेमिक का थर्ड आई का चैप्टर 13 के बारे में आज बातचीत करेंगे। चैप्टर 13 का जो टाइटल है वो है कोविड के विरुद्ध युद्ध, यहाँ कोई असली विजेता नहीं। हमने जैसे कोविड, पूरे दुनिया ने कोविड को एक युद्ध स्तर से लड़ने का निर्णय लिया था, और युद्ध में हम यह कहना चाहते हैं कि जैसे असली युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं, वैसे ही ऐसे पैंडेमिक या महामारी के साथ युद्ध करने में भी कोई नहीं जीतता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो इसके जो अभी भी हमने जो देखा पैंडेमिक में, कौन जीता कौन हारा, कोई नहीं जीतता युद्ध में। तो इसका जो अंतिम ये मैसेज निकलता है कि विकसित देशों, डेवलप्ड कंट्री में जीवन को लंबा खींचने के लिए कठोर उपाय के कारण विकासशील देशों में मृत्यु हुई। डेवलप्ड कंट्रीज, अमीर देशों को उनके फायदे के लिए गरीब देशों को भुगतना पड़ता है, कोई भी युद्ध में या महामारी के युद्ध में भी। कोविड-19 से बड़ी आपदा को रोकने के लिए दुनिया को उपन्यास कोरोना वायरस के खिलाफ, उपन्यास नहीं, नॉवेल नया कोरोना वायरस के खिलाफ, यह अंग्रेजी से सीधा नॉवेल कोरोना वायरस को, नॉवेल को हिंदी में उपन्यास कर दिया है। तो कहीं कहीं ऐसी गलतियां हैं। तो नॉवेल कोरोना, कोरोना वायरस के खिलाफ आपने, हमने जो दुनिया ने क्या किया, जब तक हम जीतेंगे युद्ध को बंद कर देना चाहिए, ये हमने लिखा था। जबकि महामारी के बचाने से रोकने के लिए लॉकडाउन चल रहे थे, ये चल रहे थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो हमने कहा था कि ये युद्ध बंद करना चाहिए। हमने उस टाइम ये कॉलम में लिखा था, उसमें नुकसान ज्यादा है। कलयुग, कलिंगा, कलिंगा युद्ध के हमने उदाहरण दिया। कलिंगा ऐसे, अगर हमने कहा था कि अगर इतना नुकसान करके जीतेंगे तो कोई फायदा नहीं है जीत का। कलिंगा युद्ध जीतने के बाद अशोका को पश्चाताप हुआ, उनको काफी खेद हुआ, और व्यक्तिगत पीड़ा महसूस हुई, बहुत पीड़ा महसूस हुआ जब उन्होंने मौतों और तबाही देखी युद्ध के परिणाम में। लाशों जब बिछ गई, काफी लाशों का ढेर जब हो गया और काफी मौतें हुई युद्ध के बाद, तो अशोका, अशोका द ग्रेट, उनको भी बहुत खेद हुआ युद्ध के बाद। इसी तरह चीनी योद्धा दार्शनिक सनसू, चीनी योद्धा सनसू ने कहा था जो कि 2000 साल पहले चाइनीज जनरल और फिलोसोफर थे, आर्ट ऑफ वॉर जिन्होंने लिखा था, जो लड़ना चाहता है उसे पहले लागत की गणना करनी चाहिए, कितना कीमत चुकेगा लड़ाई का पहले सोचना चाहिए, लड़ाई चालू करने पहले। सनसू ने कहा था, जब आप वास्तविक लड़ाई में शामिल होते हैं, यदि जीत आने में देर होती है तो पुरुषों के हथियार सुस्त हो जाएंगे और उनका उत्साह कम हो जाएगा। यदि आप किसी शहर को घेराबंदी करते हैं तो आप अपनी ताकत समाप्त कर देंगे। तो ऐसे ही क्वारंटाइन में एक प्रकार से हम महामारी को घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे, और सनसू ने 2000 साल पहले असली युद्ध में कहा था कि अगर आप ज्यादा देर तक युद्ध खींचेंगे या उसको घेराबंदी करेंगे तो आपकी ताकत भी कम होती रहेगी। वो आगे कहते हैं, बुद्धिमान नेता की योजनाएं में लाभ और हानि का विचार एक साथ मिश्रित होना चाहिए। कोई भी बुद्धिमान नेता जो होता है या आर्मी का जनरल होता है, उसको हानि और नुकसान का नाप तोल करना चाहिए, उसके बाद ही सोचना चाहिए युद्ध करना है कि नहीं। फिर महाभारत में भी पांडवों के लिए युद्ध की जीत वीरानी और निराशा में बदल गई, जब उन्होंने गौरव के क्षेत्र को मृत्यु को और मरने के क्षेत्र में तब्दील होते देखा। महाभारत में अगर आपने पढ़ा होगा, आखिर में जब जीत जाते पांडव, उसके बाद भी वो काफी दुख फैलता है जब वो देखते हैं कि काफी लोगों की मौत हो गई है और जो युद्ध स्थल है वो लाशों का ढेर से भर गया है। कोविड-19 पर युद्ध की घोषणा करते समय दुनिया जितना चबा सकती है उससे अधिक चबा गई, जितना हम चबा सकते हैं, निगल सकते हैं, उससे ज्यादा हम
चबा गए, घबराहट में लिए गए जल्दबाजी के फैसलों में अतिरिक्त नुकसान के होने वाली मौतों और बर्बादी पर कोई असर नहीं पड़ा। महामारी पे कोई असर नहीं पड़ा और हमको नुकसान बहुत हो गया। सबसे अधिक प्रभावित निम्न आय वाले देशों के लोग हुए, पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारी भरकम COVID-19 नियंत्रण उपाय समानता नहीं लाती है। एक ब्रॉडबैंड और उनके सहयोगी ने लैंसेट में एक पेपर प्रकाशित किया था। उन्होंने कहा था कि अमीर देशों जो लॉकडाउन और जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस का जो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों पे पड़ती है, अमीर देशों को फायदे के लिए। लेखों के निष्कर्ष निकाला है कि विकसित दुनिया में जीवन और लंबा खींचने के लिए कठोर उपाय विकासशील दुनिया के मौतों का कारण बनते हैं और गरीब देशों में यह मौतों का कारण भी बनती है। गरीबी बढ़ जाती है, लोगों के बिजनेस चले गए, मैल न्यूट्रिशन बढ़ गया, अमीर और गरीब के बीच की तरह सामाजिक दूरी बढ़ गया है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना, वो एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। अमीर और गरीब के बीच में फासले बढ़ गए, जिसको कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते थे, पर उससे तो रुका नहीं महामारी, उल्टा सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। हमको शारीरिक दूरी से अधिक था। ये सामाजिक दूरी गरीबों के लिए जीवन मृत्यु का फैसला कर सकती है। क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, दिस हार्म्स, ये सामाजिक दूरी जो है, COVID-19 के खिलाफ युद्ध की आजीविकता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इससे विश्व के अधिकांश नागरिकों के समक्ष स्वास्थ्य को खतरे में पड़ने का खतरा था। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना नोवेल कोरोना वायरस के नियंत्रण की दिशा में किसी भी मामूली प्रभाव से कहीं अधिक होगा। महामारी तो नहीं बचा जो दुख नुकसान हुआ, विशेष रूप में कम आय वाले देशों में स्थानीक बीमारियां भड़कने लगी। अपने जो बीमारियां हैं देशों में, गरीब देशों में, वो बीमारियां, इंडिया में ट्यूबरक्लोज डिटेक्शन 40% कम हो गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। अनुमान है 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक अपने गांव लौट गए, माइग्रेंट, जिनमें से कई पैदल और कुछ साइकिल पर भी थे, आपने देखा होगा। गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी ऐसे कठोर और जल्दबाजी की रणनीति का नतीजा थी। ये अनुमान लगाने के लिए किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल मॉडल, ये तो आम आदमी भी बता देगा। विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का सामना कर रहे हैं। अनुमान है 400 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। चीन के विरुद्ध 1962 युद्ध में हमारी सेना की कमियां उजागर हुई थी और चीन के उत्पन्न नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ मौजूदा युद्ध में, जो कि महामारी के साथ युद्ध में, हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य की कमियां पता चला, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की कमियां पता चला। 62 वॉर में हमको मिलिट्री तैयारी की कमियां पता चला, अभी हमको हेल्थ सर्विसेज की तैयारी की कमी इस महामारी में पता चला। गैर कोविड मामलों की देखभाल, जो कोविड से कई गुना अधिक मौतों का कारण बनती है, प्रभावित हुआ। हमारे यहाँ जैसे पहले बताया, ऐसे ही 2000 लोग रोज टीबी से मरते हैं, 700 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, 2000 बच्चे मरते हैं, तो ये तो कोविड से कुछ ही नहीं है देखा जाए तो। अमीर देश के लिए हो सकता है जहाँ ये सब बीमारियां कंट्रोल है, पर हम अभी इससे जूझले हुए हैं और हम कोविड तो बहुत महंगा पड़ा हमको, इतना हार्श मेजर्स। इसका कारण अत्यधिक स्वास्थ्य सेवाएं और कम उपयोग था। यहाँ तक कि गंभीर गैर कोविड स्थिति वाले मरीज भी कोविड की चपेट में आने के डर से अस्पताल में नहीं आए। इतना ये पैनिक कर दिया कि बड़ी बड़ी बीमारियों वाले अस्पताल में नहीं गए, कैंसर ट्रीटमेंट वाले नहीं गए, हार्ट डिजीज वाले नहीं गए, तो इससे ज्यादा मौतें हो सकती हैं या हुई है शायद। हाल के अनुमानों के पता चला है कि महामारी के दौरान भारत के अतिरिक्त मौतों की संख्या कहीं अधिक थी, जिसका अर्थ है कि COVID-19 से होने वाली मौतों को कम बताया जा रहा है। हालांकि मौजूदा युद्ध जैसे माहौल को देखते हुए, जिसमें युद्ध के समय में भी अधिक संख्या कर्फ्यू थे, एक अतिरिक्त मौतों का एक बड़ा हिस्सा गैर कोविड स्थितियों के कारण हो सकता है। युद्ध के दौरान शोर हल्ला गुल्ला होता है और जैसे युद्ध में सेंसरशिप होता है, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, महामारी भी वैसे ही करके लड़ी गई है और उससे नुकसान बहुत हुआ।
गर्मी और धूल के, जब धूल नीचे आएगा तब शायद आंकड़े स्पष्ट होंगे, पर विचार नहीं और सेंसर नहीं किया जा गया, असहमति पर विचार नहीं किया गया या उसे सेंसर कर दिया गया। जो भी लोगों ने इसका असहमति दिखाया था कि ऐसे मेजर नहीं लो, उनको सेंसर कर दिया था, जैसे लड़ाई का टाइम होता है आपने देखा है। तो इस महामारी के विश्व सरकारों द्वारा इसी तरह की युद्ध जैसे रणनीतियों का उपयोग किया गया। युद्ध में नुकसान ही नुकसान होता है, और अभी जिसमें नुकसान होता है उसमें आपने महामारी में वो ऐसा वाला निर्णय लिया आपने, तो इसमें भी नुकसान हुआ। चिकित्सा, पैरामेडिकल और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कोरोना योद्धा बन गए। इस युद्ध में पैदल सैनिक होने के कारण उन्हें भारी प्रभाव पड़ा, ऐसे में कलंक का भी उन्होंने फेस किया। इतना स्टिग्मा हो गया था, इसके उनसे मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा, कई लोगों को जलन का सामना करना पड़ा, स्टिग्मा का सामना करना पड़ा। कुछ के संपर्क किया और भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों में उच्च वायरल लोड के संपर्क में आने से वो संक्रमित भी हो गए और जान से भी चले गए, जो हमारे फ्रंट वर्कर्स थे। क्योंकि इतना क्राउडिंग किया, इतना वायरल लोड एक जगह किया, इस अपचार में छोड़कर अधिकांश चीजें युद्ध स्तर पर चल रही थी। मेडिकल, एक चीज बड़ा अजीब था कि मेडिकल छात्रों को घर भेज दिया गया, जो कि यंग थे, उनको कोई खतरा नहीं था कोविड से, जो डेटा बाद में आए, पर उनको मेडिकल कॉलेज आपने बंद कर दिया 2 साल के लिए। अगर मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए तो वो क्या सीखेंगे डॉक्टरी? महामारी में ही तो सीखने का मौका मिलता है। अगर कल अगर लड़ाई हो जाए किसी देश के साथ, असली लड़ाई, क्या आप एनडीए या मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बंद कर देंगे क्या? तो ऐसे मतलब ऐसे कुछ चीजें किए हैं कि जो कि जिसका कि कुछ समझ में नहीं आता कैसे किया है इन्होंने। मेडिकल छात्रों को वास्तविक दुनिया के मरीजों से दूर कर दिया, तो ये कैसे डॉक्टर बनेंगे बाद में? कोई भी छूत बीमारी से डरेंगे, दूर भागेंगे मरीज से? ये एक प्रकार का आपका फाउंडेशन आप इतना कमजोर कर रहे हैं। हो सकता है अगला महामारी में भी फिर उनको ऐसा कर दिया जाए प्रोग्राम की भाई दूर रहो बीमारियों से, और जो सीधा सा आप इंटरवेंशन लगाओ या वैक्सीन लगाओ या दवाई लगाओ, उनको मरीज के पास नहीं जाओ। ऐसा इलाज तो पहले कभी नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर कुछ बुजुर्ग अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन कर रहे थे, एसेंशियल ड्यूटी वाले डॉक्टर जा रहे थे जो एजेड डॉक्टर थे। मैं भी हमेशा कॉलेज आया लॉकडाउन के दौरान, कभी घर नहीं बैठा, कभी मास्क नहीं पहना। मेरे को मालूम था इसका कोई फेटलिटी रेट नहीं है, अगर आपका हेल्थ अच्छा हो चलेंगे फिरेंगे बाहर घूमेंगे। सीरो सर्वे में हमने पार्ट लिया। मेडिकल स्कूलों को युवा मेडिकल छात्रों को आश्रय देने के लिए कथित और तौर पर बंद किया दिया गया, जो वायरस से प्रति बहुत कम संवेदनशील थे। ये एक विरोधाभास था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए को बंद करने की कल्पना करे, या युद्ध के दौरान भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए बंद हो जाएगा क्या? अस्पताल बंद कर दिएगा जब महामारी में, ऐसे में तो आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो ऐसे लड़ाई में भी आप मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दोगे क्या? भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल की नींव तो नींव को कमजोर कर रहे हैं आप। चिकित्सा शिक्षा का निलंबित करने के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 2 साल, अन्य स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए। इससे अगली पीढ़ी की दीर्घकालिक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और स्कॉलरली शैक्षिक झटका लगेगा, पीछे रह जाएंगे पढ़ाई में। मेंटली ट्रॉमा हो गया एक बचपन में कि भाई ये बहुत बड़ा महामारी, हर महामारी से छोटे बड़े सब महामारी से डरेंगे। क्या ये सभी कठोर उपाय काम आए? और इतना किया कुछ काम आया? उपलब्ध आंकड़े ये नहीं बताते हैं, असाधारण उपाय के सफलता का प्रमाण नहीं देते हैं। भारत में महामारी की पहली लहर में करीब 20 से 30% लोग संक्रमित हो गए थे, आईसीएमआर का सीरो सर्वे। दूसरी लहर के बाद करीब 70% लोग को महामारी हो गया था दूसरे वेव में, जब आपने इतना कुछ लगाने के बाद भी। और इससे क्या है, 90 करोड़ को ऑलरेडी संक्रमित हो गए थे, और जबकि हमने सीरो जो कांटेक्ट ट्रेसिंग में खाली 4-5 करोड़ में पता चला, तो मेरा मेजोरिटी आपका पता नहीं चलता है, बीमारी आराम से फैल गया है। तो ऐसे बीमारी में हमको एकमात्र आशा का किरण ये है कि विशाल भारत में संक्रमण का मृत्यु दर 0.1% से भी कम था, और अभी का डेटा 0.05%। मतलब अगर आप किसी को, हेल्दी आदमी को अगर कोविड हो जाए तो 99.9% उसका सर्वाइवल है, जो कि आम बीमारियों से बहुत ज्यादा बचने का
ये है संभावना। और बच्चों को तो बिल्कुल ही कोई है नहीं है, हेल्दी बच्चे को तो मिलियन में एक आध बच्चा बेचारा कोई कोमोर्बिडिटी के साथ मरा होगा इस इसमें। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए 0.3% बोलता है, वहां पे मैंने बोला कि ज्यादा एजेड लोग हैं तो वहाँ 0.3% है, हमारे देश में 0.1.05% है, बच्चों में ऑलमोस्ट 0% है उसको, और स्कूल बंद कर दिया आपने। इस साइंस से तो काम ही नहीं लिया, विज्ञान एक तरफ, लड़ाई में कोई किसी की नहीं सुनता है। इसलिए भले ही हम भारत में अंडर रिपोर्टिंग किया हो और ये तुलना में कम है, अंडर रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं होता, हमारे देश में इतना कम इसका इन्फेक्शन फेटलिटी रेट है कि कोई चांस ही नहीं है। जिस हिसाब से लैंसेट ने बोला कि इंडिया ने आंकड़े कम बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन के अंत में कुछ कोई पूछ सकता है कि कोविड के विरुद्ध युद्ध का हर संभव प्रयास अतिरिक्त नुकसान के लायक था? क्या हमने ज्यादा खोया है? सही में ज्यादा खोया है, जीता कुछ नहीं है। यह कम तीव्रता वाला संघर्ष होना चाहिए था, हमको छोटा छोटा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, पूरा ऑल आउट वार जैसे कर दिया पूरा दुनिया में, वर्ल्ड वार 3 भी कह सकते हैं इसको, जितना नुकसान हुआ और पूरे वर्ल्ड इन्वॉल्व हो गए। तो जब तक हम जीतेंगे नहीं, ऐसा भी स्लोगन चलता रहा, टिल वी विन, ऐसा नहीं होता है। हमको लो इंटेंसिटी, जैसे आतंकवादी से लड़ते हैं छोटे छोटे ग्रुप में, वैसे लड़ाई करना था कि जो एल्डरली है, कोमोबिलिटी है, उनको प्रोटेक्शन देना था, रादर देन वॉर अगेंस्ट द होल पॉपुलेशन। जैसे वर्ल्ड में वॉर डिक्लेयर होता तो सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा होता, आर्मी कैजुअलिटी कम होता। अभी भी ऐसा हुआ कि कोविड से डेथ कम हुआ, बाकी बीमारी से लोग मर गए। हम गंभीर सारे साथ समस्या की तुलना में वायरस की घातक के अनुरूप कम तीव्र संघर्ष में बदल देना चाहिए था हमको। और ये अभी आप लोग को हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, अभी तो हो गया, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगला पैंडेमिक के लिए प्रचार पहले ही चालू हो गया, पैंडेमिक आया नहीं, प्रचार चालू हो गया। और हर पैंडेमिक के बाद असली टाइम तब होता है, इस टाइम जब पैंडेमिक खत्म होता है तब इसका एनालिसिस करना चाहिए। कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है, WHO नहीं कर रहा है, हमारे कोई भी बड़े CDC नहीं कर रहा है कि क्या। तो हमारा काम बनता है, इसीलिए हम ये YouTube को शेयर कीजिएगा, ये जो भी हम बातचीत कर रहे हैं आप लोग खुद सोच सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि किताब भी हमने हिंदी में अवेलेबल है, अंग्रेजी में अवेलेबल है, इसका मैं लिंक दूंगा, जो किताब पढ़ना चाहता है अपने मर्जी से वो पढ़े, जो किताब नहीं पढ़ना चाहता है उसको भी जानकारी जरूरी है, क्योंकि अगले पैंडेमिक में फिर ऐसा होगा, फिर आपको नुकसान होगा, एक प्रकार का ये साइकिल बन जाएगा। इसलिए इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है, जो पब्लिक पावर है वही हमको ये सब गलत एक प्रकार से युद्ध से बचाएगा। पहले जमाने में जो गवर्नमेंट्स है या बड़े बड़े पावर्स है जिनको आर्म्स रेस था, वो युद्ध का डिक्लेयर कर देते थे, अभी महामारी डिक्लेयर करेंगे युद्ध की जगह, जब उन्होंने देखा कि महामारी में प्रॉफिट ज्यादा है। आर्म्स रेस तो कुछ सोल्जर्स को देते हो, पर आपका फार्मा रेस 100% को लगाओगे, मास वैक्सीनेशन, मास मेडिकेशन, उसमें ज्यादा मास PPE, मास टेस्टिंग किट, आप देख लो सबको फायदा है, और लोग भी डर के ये करेंगे। तो इसीलिए ये डर आपको निकालना चाहिए, और इसका ये जो भी मैसेज हम कोशिश करते हैं अपने अध्ययन से या अपना जितना भी मेरा तजुर्बा है उससे देने का, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।